सुनो एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट भाई, सच्चाई देखो, सुनो दबानी, रुक जाओ भाई दबानी, तेरा का माइक लाऊंगा मैं ना अभी, दबान की बात कौन सीख रहे तू। देखो भाई मामला बढ़ गया है और वही बात नुका कर साक्षी का दिशी आंख मांगली मारती। मम्मी एक्सपायर होने के बाद मेरे मतलब पापा दोनों भाई, बाप भी पहले एक्सपायर हो गए थे, 6 महीने पहले मेरी मम्मी एक्सपायर होगी, उसके बाद मेरे भतीजे दोनों अकेले रहने लगे, तो इस बंदे ने दोनों अपने पास बुलाने लग गया, हमारे खिलाफ भड़काने लग गया, तेरी कोई बुआ नहीं, ऐसी बुआ होती तेरे पास रहती, ये करती वो करती, तुम हमारे पास आओ, प्रभु के चरणा में मिल जाओ, प्रभु तुमने सब कुछ देगा, मेरे बेटे का खाना छटवा दिया, पीना छटवा दिया, नाना छटवा दिया, दूध छटवा दी, जिम छटवा दी, मतलब सब कुछ छटवा दिया उसका, 3 महीने वो तो हमने अलग रख रखा, इतनी भीड़ देख वो वैसे पागल हो जाएगा। अब भी है ना, मतलब इसने मेंटली टॉर्चर कर रखा, कोई तंत्री की विद्या छोड़ रखी है, वो इसी की साइड बोल रहा है, हमने यू कह रहा था, मेरे कुछ लाग रहे, अच्छा। अपने भाई ने भी यू कह, तेरे भाई ने काट दे, अब मेरे छोटे भतीजे ने बोल रहा है कि सिब्बू उसने काट दे, जो यू कह वो ये कर रहा है, मतलब इस इंसान ने मेरा भी धर्म बदलवाने की इतनी जबरदस्ती करी, मैं मतलब अपनी चर्च में बुलाई 2 संडे इसने, अच्छा। हम भाई बुआ आप मेरे बेटे ने कहता मोटी श्यामी है, सिब्बू फंसा तेरी बुआ ने भी, यो करेंगे भाई, उसने भी लिया इस नाम में, ये कर वो कर, मतलब मेरा धर्म बदलवाने में इतना जोर लगा दिया मेरा भतीजा, बहुत बड़ा मामला भाई, ये जो तांत्रिक है इन्हने घर के घर बर्बाद कर दिए है सारे भाइयों ने। राम राम भाई, मैं तारा देसी पत्रकार धर्म हूँ और इस टाइम तो हम बहुत ही बड़ी और दुखद खबर गेला है, मार गेला लाइव जुड़ गए हो, फिलहाल जींद का रोहतक रोड की पुलिस चौकी तय ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, और इस मौके पे हरीश भाई मार गेला मौजूद है, हरीश रामकली, हरीश भाई आप सॉरी, हाँ हरीश, तो हरीश भाई आपने सारा मामला खंगाड़ा है, काफी सारे इस तरह के जब धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन, देखो हालांकि धर्म कोई बदलने की चीज है को नहीं, धर्म तो वही बात है, सबने वेरा भाई सत्य सनातन धर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी उठा पटक कई डाल की चीजें चल रही हैं, जितने और चीजें वो मतपंथ संप्रदाय हैं, लेकिन ये जो बात लेकर कान लग रही है, ये जो महिला फूट फूट कर रोने लग रही है, मेरे द्वारा फोन आए इनके बहुत ज्यादा परेशान थी, ये न्यू रो रो के न्यू बोलने लग रही, किसे तरह मेरा घर ने बचा लो बर्बाद होता है, पूरा मामला आपने खंगाड़ा, तो के मामला यू भाई, मेरे पास 5 बजे से धर्मू भाई का फोन आया, इससे पहले ये भाई मैडम है सुमन जी, इसका मंजू जी, इसका फोन आ चुका था, धर्मू भाई को मैंने सारी डिटेल बताई, क्योंकि 4 दिन से हमारे टच में है, और हालांकि हमें ये नहीं है कि बजरंग दल वाले किसी को भड़काने लग रहे हैं, हालांकि एक समाज के नाते इसके भाई के नाते हम गए थे, मेंटली टॉर्चर इसका जो सारा परिवार है, इसका बेटा तो लेकर इसकी बहन है, इसकी बुआ, सारा परिवार मेंटली टॉर्चर कर दिया कैन पास्टर ने 10-12, तो भाई साहब टेंट हमने रोहतक रोड पर, चाहे वो दुर्गा कॉलोनी हो, चाहे वो धर्मशाला की बात हो, कम से कम 10 टेंट पड़वा रखे हमने, अच्छा। और सब में धंधा यही चला है, अगर भाई भोले भाले आदमियों को लालच देकर पैसे देकर, चाहे 2 किलो अनाज दे दो, बकाले हैं, यीशु मसीह ना मान ले हैं, अपने माँ बाप नहीं लगते साले, ना और कोई लगता परिवार का, इतना बुरा हाल, इतना षड्यंत्र कर रखा है, और इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं। तो फिलहाल ये पूरा मामला रोहतक रोड की पुलिस चौकी में आ रहा है, और जो परिवार जो बरामद हो रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं परिवार, उनकी जो कहानी है उसमें किस कौन और भी कौन कौन से परिवार किस किस पूरा मैटर बताओ आप। मतलब भाई जी और भी एक परिवार और है, वो आया, मतलब वो भाई भी बिल्कुल मरण के घाट पर उतार रखे है, 3 बेटियां हैं उसके, और वो भाई चल नहीं सकता, बीवी उसकी संभाल कर रही है, वो आ नहीं सकी है। अच्छा मान और... जो जानकारी मिली थी भाई, तंत्र विद्या के नाम पर यू जो मानस है, कोई नशीली दवाई, कोई इस तरह का नशा देवे है, पानी और चाय में भैया, अच्छा पानी और चाय में देवे, यो बार बार पानी पिलावेगा, वो किसी में शेर आ गया, किसी में कुछ आ गया, लुसीफर आ गया, इस तरह बोल रहा है, और मेरे घर की पूरी हिस्ट्री आप आराम से सुनो भैया, इसने मेरे भाई का सारा अकाउंट खाली करवा दिया, अच्छा। कभी 5,000 कभी 2,500 मकान की किस्तें भरवा ली, और बूफर है जो चर्च के लिए भी बूफर, वो गाने वाले माइक वाले वो बूफर मंगवा लिए, मतलब जितना रोज का कमाया करता सारा 10 वंश के चक्कर में वहां पर दे के आया करता, और मेरी इशार वाली बहन पागल करी पहले इसने, वो बचा ली, वो इशारी उसका
इलाज चला, वो 5-6 महीने की बात है, वो ठीक होगी, वो दूर होगी इनसे। अच्छा, दूर होई जी, ठीक होई। हाँ, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, ये घर बर्बाद करने के बहुत घने खतरनाक तरीके, ये बहुत बड़ा सबक भी है उन लोगों के लिए जो तंत्रिका का बहकाव महक है अपना हंसता खेलता परिवार ने बर्बाद कर ले है। हालांकि पुलिस प्रशासन तो हम बात करेंगे भाई इस मामले में पूरी बात की है। एक व्यक्ति हो रहा भाई साहब, वो कह रहा था भी मेरी घरवाली भी जान लग रही है, जिस दिन तक जान लगी है नी, उसने टाइम पर रोटी नहीं मिल रही, वो उसके अभी लड़के की बहू है, अभी उसके सामने उसने यह बात कबूल करी है। अच्छा, मतलब प्रलोभन दे के गरीब आदमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने लग रहे हैं, भी उनकी हारी बीमारी ठीक हो जाए, वो परमेश्वर का प्रभु का जो भी नाम दुआवा है उसका नाम पर मतलब गरीब आदमियों का जीवन का आर्थिक तो करने लग रहे हैं नुकसान है, और शारीरिक खिलवाड़ भी करने लग रहे हैं। हाँ, बहुत से लोगों को भी गरीब आदमी हुआ है, बीमारी का लालच में ठीक हो जाएगा तो 5-7 साल ज्यादा जीने के उसमें वो पहला रामना प्यारे हो जाए। इसकी जो शिकायत आपने पुलिस को करी उसका क्या रिजल्ट है? एक मिनट, मेरे से छोटी मेरी बहन है, उसके हस्बैंड ने मेरी बहन के खिलाफ मतलब उस छोटी का भी घर पड़वा दिया, छोड़ दे इस नीतू ने, क्या रखा इस नीतू में, तू कमाने मत जा पवन, तू जो कमा मेरे पास लेके आ और यहीं पर रो रात को, और ये नीतू खुद कमाएगी, खुद इन बच्चा का पेट भरेगी, मेरी बहन के साथ आप हालात देख सकते हो उसके भी कैसे कर रखे है। अब ये बात बिगड़ी है तो वो सुधार में आया, वो बंदा दूर हटाया तो सुधार में आया, नहीं तो वो उसने मेरी बहन को घर से निकालने की पूरी पूरी वो कर ली थी, निकल जा मैं नहीं तेरे को कुछ भी दूंगा, इतना बुरा हाल मेरे पूरे परिवार के साथ कर रखा है। धर्मू भाई जैसे भी इस गंदे घटिया इंसान ने सजा दुआ हो भाई जी, चर्च में बुलाई है ये भी। अच्छा, इनको भी धर्म बदली का चेंज में, मैं इसका दो बार बुलाई हूँ, मैं इसने अपनी चर्च में 3 बार बुलाया, मैंने इस पर जबरदस्ती कर वहाँ नहीं जाना, फिर भी ये 2-3 बार गई इनकी बात मानने पर, इनका धर्म बदली कराने के लिए पूरा हंगा लगाया इन्हें, प्रेशराइज कराया। हाँ, फिर भी मैंने इस पे कोशिश करी, इसमें फंड में ना बढ़े जाएगी इसमें भाई जी, क्या मैं अपने भतीजा से बहुत प्यार करूं क्योंकि मेरा परिवार ही वो है, दो ही भतीजे रह रहे हैं मेरे, मतलब दोनों तक रह रहे हैं, मेरे दोनों भाई भी एक्सपायर हो रहे, मतलब कोई नहीं हमारे बड़ा छोटा, तो वो मेरे भतीजे ने सिखा के भेजता कि तू जा तेरी बात मानने की, तेरी बुआ तेरी हर एक बात मानना, तू लेके आ, मैं तो अपने भतीजे के कारण गई थी भाई। तो धर्म होया करे भाई जो पाखंड से दूर करे, पाखंड से जो दूर करे वो धर्म होया करे, जो पाखंड के लिए मजबूर करे वो धर्म को नहीं होता। तो फिलहाल ये जो तस्वीर तुम देखने लग रहे हो काफी घिनौनी तस्वीर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तांत्रिक और इस तरह के पाखंड या जबरन धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं, इस आड में कई सारे घरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जावे है, और उसमें जब कोई न कोई उसका मान ले न्यू ठेका ले भाई हम कितने कितने बचावेंगे, तो उनको भी कितने कितने आरोपों का सामना करना पड़े है। हरीश भाई कुछ इसी तरह का मामला है भाई। अच्छा, एक धर्मू, एक मिनट धर्मू भाई ने पूछी भाई प्रशासन का क्या कार्रवाई है, आम यहाँ इस बहन को लेके आए ना, जब अपने कार्यकर्ता थे मित्र प्यारे सारे 40-50 बालक हो गए थे इकट्ठे, इससे पहले तो इनके पास्टर के वकील पोचे पाई आड़े। अच्छा, जो हाँ सारा। अच्छा, इतनी मारी संख्या को नहीं, इतनी तो अंदर उनकी संख्या है, यानी कि पूरा प्रोपगेंडा पहले से तैयार। बात इसका परिवार बर्बाद कर दिया, इसका भाई भतीजे, एक भाई भतीजे बर्बाद कर दिए, और जो सुनील कुमार जो वो है चौकी इंचार्ज, वो नुका कोई मामला है धर्म बदलन का। तो भाई जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा सबक है, अगर भाई इस तरह से बहकाओ में आकर अपना घर बर्बाद ना करो, तांत्रिका के चंगुल में आकर अपना घर ने बर्बाद होने से बचाओ, और फिलहाल पुलिस प्रशासन तो भी हम संपर्क करेंगे, पूछेंगे इस मामले में क्या कार्रवाई। मेरा भाई है तो उनका लड़का ही है, बात नु है जिसमें कसूर होगा नहीं उठाया जाएगा, बिल्कुल चे तेरा मो मामला का दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं तो एक काम बताया, आपकी भाई की मेरी वाइफ बेबे है, बेबे है आपके परिवार के साथ, फिलहाल क्या हालात है? रोटी को नहीं दी 8 बजे तो पहला मैं तो नाटा उस टाइप है। अच्छा, घराली रोटी देनी छोड़ गई? घराली तो देवा है, आज के पास चुपको आई है, फिर मन पकड़ा देना, पूरी बात सुन लेना, कोई नहीं बताओ छोड़ दे, आज आई है। अच्छा, ये तो रोटी मिल जाएगी। अच्छा, वो अभी नाम ले रही है। अच्छा, उन तो नाट आया मैं बड़े न बढ़ ना दिए नॉलेज को नहीं बढ़ने दे, मारो वो घरावला आने देने बिकी वहां बहु। चलो पुलिस के जो अधिकारी उन तभी मेरे साथ में भैया, मेरे घर वाले तो उल्टी सीधी सिखाया करते मेरे खिलाफ। अच्छा, क्या रखे नहीं तो मैं उसने छोड़ दे, ये कर दे वो कर दे, लेकिन
हम तो मजबूत पूरा माइंड वॉश करा कर दे। तो उसने भी उसको पैसे ना दिए, उसके हाथ की रोटी ना खाई है, उसने अपनी ऑटो में ना बिठाई है, मतलब के दोनों एकदम अलग कर दिए थे। और मैंने तो अपने बच्चे के सर्टिफिकेट भी निकलवा लिए थे और मैंने अपना सारा सामान भी पैक कर लिया था, मैं कहीं और चली जाऊंगी आता है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा डट का मुकाबला कराया, मैं इसकी चर्च में भी गई, मैं उससे कह के आई कि मेरा पति यहाँ पे आया है तो मेरा घर का नाश होने लग रहा है। अच्छा, ठीक। तो फिर भी नहीं मानने हो, बोला कि मारी वजह था, ये सब मारी वजह था है। मैं भाई चाहे कितने तो हो, लेकिन यहाँ पाने के वजह मेरा घर बर्बाद होने लग रहा है। इसके ऊपर कानून भी बनाया, हालांकि जबरन धर्म परिवर्तन के ऊपर कानून बनाया हुआ है। एक मिनट, मेंटल टॉर्चर कर दिया, डिप्रेशन में मेरा भाई भेज दिया। तो उसके बाद इसने क्या बोला, तेरी मम्मी पापा भाई भाभी दोनों भाई सारे इसमें बढ़ रहे हैं, जिम का जिंद वो जिम का वो पहलवान। नहीं मेरे तो एक बात, एक मिनट बहन जी, मेरे एक बात को नहीं समझ मान दी, ये किसे में बाहर लिया हुआ है, किसे में भीतर लिया हुआ है, किसे में जिन आज है? अरे भगत सिंह क्या तो को नहीं आंदा, राजगुरु सुखदेव क्या तो को नहीं आंदा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं आंदा, इनकलाब जिंदाबाद क्या तो को नहीं कहते हैं? ये दीवारा में टक्कर मारा है, इनका बहर लिया की भीतर लिया की जिन आ गया जिनाद आ गया, ये फालतू की डोंडरेबाजी बकवासबाजी। और इन तांत्रिका ने घरों को बर्बाद करने का टेंडर ले रखा है, और जब कोई आवाज उठावे और इस भाई पर के महावीर भाई पर के कोई आवाज उठावे तो उसका इनको भी आरोप के दायरे में ले लिया धंधा हो। नया बात है भाई, बिल्कुल है भाई साहब, मारा ऊपर है सीएम विंडो पर और बिला हथियार लेकर आए, और ये आया लाके हमने जहाँ भी पता लगा अभी गरीब आदमियों का ये इन लोगों ने धर्म को हथियार बना लिया। जिस धर्म ने, धर्म तो मानव की रक्षा के लिए होया करे, और उसे धर्म की आड़ में इनका हथियार एक तरह से माइंड वॉश करके और धर्म को हथियार बना लिया इन्हें। तो पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, पहले एक मिनट उन तक बात करेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल आज आप एक दो चार दिन आज बात करेंगे, और फिलहाल जो है पुलिस तो हम पूछेंगे कौन आई है कौन है इस मामले में। बहन जी बोलियो, बहन जी ने, बहन जी इस मामले में आइये कौन है, क्योंकि सही बात सीधी बात है भाई, जो पूरे घर के घर बर्बाद होने लग रहे हैं। और खाकी की अगर मैं बात करूं, सेवा सुरक्षा और सहयोग, इसकी उम्मीद पुलिस ने रखी जा रही है। आइये कौन है इस मामले में, आई मतलब इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है? हाँ जी भाई साहब कौन है, बुला जो जी एक बार बुलाओ। वो तो इनके पक्ष में बोल रहे सर, जो भी यहाँ पे बैठे थे वो आईओ है। बोल दो एक बार, आज भाई यही है, आओ जी आज भाई। हाँ जी नमस्कार जी, राम राम जी, लाइव जुड़ रहे हो जी आप। तो फिलहाल ये जो रोहतक रोड का जो मामला है, जबरन धर्म परिवर्तन का जो मामला है, इसमें क्या चीज लिखड़काई है, क्योंकि बहन जी का आरोप है कि कई घर बर्बाद हो गए इसमें। ऐसा है, अभी इस मामले में दरखास्त प्राप्त हुई थी जी, और जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है इसकी, जैसी भी सूरत होगी वैसी कार्रवाई में कर देंगे। तो राजेश भाई, जिस तरह बहन जी के आरोप है कि भाई कई दिन से लगातार जो है वो जबरन धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है, और कोई नशीली दवाइयां इनके उन बच्चों को या परिवार के मेंबर उनको जबरन दवाइयां दी जा रही है, तो इस मामले की पूरी जाँच करो ना, किस तरह का मामला है? इससे पहले कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी पक्ष से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अच्छा, ये केवल अभी कोई 20-25 मिनट पहले ही एप्लीकेशन, पहली बार आपके पास शिकायत आई है? ये पहली बार शिकायत आई है जी। और दोनों पक्षों को जैसा भी होगा वो वैसी कार्रवाई हम कर देंगे। अच्छा, दूसरा पक्ष जो आरोपी जिसके ऊपर ये आरोप ला रहे हैं वो भी थाने मौजूद है? हाँ बिल्कुल बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कुछ 5-7-10 हज़ार रुपए का कोई लेन देन है उनका। अच्छा, ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि भाई वो आपका भांजा है कि भतीजा? भतीजे का पूरा अकाउंट ही साफ कर दिया उसका, वो अभी तो जांच का विषय है ना। बिल्कुल राजेश जी, आपसे हम एक उम्मीद रखा है, क्योंकि खाकी से उम्मीद रखे सेवा सुरक्षा और सहयोग। जिस ढंग से इनके आरोप हैं, नशीली दवाइयां नशीली चीजें खिला के जबरन धर्म परिवर्तन, और अकाउंट भी साफ कर दिया है इनका, और माइंड भी वॉश कर दिया है, कुछ इस तरह की चीजें लेकर काम लगे। अभी देखेंगे, जांच का विषय है, जो भी आएगा वैसी कार्रवाई करेंगे। मैं आपको अपने भतीजे से मिलवाऊंगी, आप चल के देखो उसकी हालत कैसे हो रहा है, आप देखो जाके। तो राजेश जी हम उम्मीद रखा कि उस एंगल से आप इस मामले को देखोगे पूरी गहराई में छानबीन करके, न्यू नाक भी खाम खाई जो आरोपी करके रफा दफा करके, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। चौकी तक संबंधित 3-4 मामले पहले भी आ चुके हैं धर्म परिवर्तन के। अच्छा जी, और हो सकता है उन पे बढ़िया कार्रवाई होती ना, तो ऐसे के लिए आपसे उम्मीद रखा हम। सर अभी आए शायद इनसे पहले 2-3 साल के, 3 मामले हो गए जी, ये तीसरा चौथा मामला है। तो राजेश जी आपसे उम्मीद रखा आगे, क्योंकि मामला संगीन है। बिल्कुल कति दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20-25 मिनट पहले कि मैं आपसे कितने दिन से बात कर रही हूँ ना, मैं 3 बजरंग दल वालों से बात कर चुकी हूँ। तो फिलहाल राजेश जी ने, चलो भाई एक बार बैठ ले,
राजेश जी ने ठोस आश्वासन जरूर दे दिया है, लेकिन वो वक्त बताओगा, क्योंकि ये देखो तुम हर चेहरे के ऊपर एक न्याय की उम्मीद है। तुम ये चेहरे जितने भी देखने लग रहे हो, घर के घर जो है इस तंत्र मंत्र, ये मंत्र तो बहुत बढ़िया चीज है भाई, उसके नाम पर जो तांत्रिक अगोरी पाखंडी ढोंगी जो इस तरह का ढोंग और पाखंड फैला के या जबरन धर्म परिवर्तन का जो उड़ान आज जी धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल जो चला रहे हैं, उसकी जानकारी जो इस मामले के आईओ है राजेश जी चौकी इंचार्ज है जो इनने साफ तौर पर कहा कि पहली बार मेरे पास शिकायत आई है और इसको पूरा संगीन पूरा इसको संजीदगी के साथ हम छानबीन करेंगे और मामला का दूध और पानी का पानी करेंगे। दूसरा जो आरोपी वो पक्ष वो किधर है जो सामने आ जाओ भाई, फिर कदनों को मारी को नहीं सुनी थी जो दूसरा पक्ष है जिसको ऊपर आरोप लग रहे हैं, अगर इस चौकी में हो तो सामने आ जाओ आप हो नहीं आप नहीं जिनको ऊपर आरोप लग रहे हैं, अगर हो तो भाई सुनो भाई जिस जिसके ऊपर आरोप लग रहे नाम उनका सुरेंद्र नाम है भाई सुरेंद्र सुरेंद्र अगर चौकी में हो भाई सामने आ जाओ, कदे फिरने को मेरी सुनी को नहीं, एक पक्ष की सुन ली है कोई आप हो आ जाओ भाई और सुन भाई आता पाई नहीं करेगा कोई भी आड़े आ जाओ भाई नून मुकर ले नून मुकर ले क्या नाम है सोमवीर है जी मेरा सोमवीर नाम इतना सुथरा और काम इतने साहब एक मिनट पहली बात तो ध्यान से सुनो पहले ये बताओ हिंदू समाज के सिख देव है छोटी बात आई हिंदू समाज देव भाई सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ का जितु भाग भवेत अर्थात प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भवानी जी हाँ। एक मिनट साहब जी ये कौन सी हिंदू धर्म के लिख रखी है किसी के राजा के किसी की छोरी की बहन की बेटी की घर जिस घर में वो आदमी लुक रहा हो जिसने इनको पूरे को बर्बाद कर दिया हो ये घर अभी कौन दावे मेरे छह गुड़िया है मेरे छह गुड़िया है तो मेरे बच्चा का द्वारा जीना दूर कराया तीन बार आ लिया घर ये फिर आगे सारी गली देखने ला रही है मना ये अब है गलत बोल रहा है बर्बाद हो रहा है इसका घर बर्बाद हो गया यू कौन दिखता किसने कहा बर्बाद है किसने कहा भाई ना करे आता भाई नहीं तेरे भाई ना करे मेरा घर का ना ठीक है इतना तेरा भाई निकड़ा क्यों को नहीं बार बार क्यों नहीं निकड़ा धर्मू भाई धर्मू भाई अपने दो घंटे हो गए इसके घर के बाहर बैठे इसका भाई निकड़ कर नहीं आया कोई नहीं निकड़ा सब छत पर चढ़ चढ़ बार वीडियो बना जो मेन आदमी है जो यू सारा षड्यंत्र रच रहा है जिसके जिसके ऊपर षड्यंत्र के आरोप ला रहे पीड़ित परिवारों की तय से बतलाने गए थे हाँ देखो ठीक है पुलिस अपना काम करेगी और भाई हम अपना अंदाज में देसी इसकी पड़ताल कर रहे हैं के नाम भाई तेरा सुरेंद्र जी सुरेंद्र सुरेंद्र भाई के मामला है यू जिस तरह जो यू आरोप ला रहा है पीड़ित परिवार नुका भाई जो कोई नशीली डोज पानी में मिला के या चाय में मिला के नशीली दवाई देकर इनके पूरे घर को आपने बर्बाद कर दिया पूरे के पूरे परिवार को आपने बर्बाद कर दिया एक वाकित गई छोरी दूसरी के मामला यू के षड्यंत्र चल रहा है ये यहाँ सारे परिवार मेरे पास आवे जो दो है चार है वो परिवार आवे मेरे पास के करा करो हम प्रार्थना करा सत्संग करा एक के लिए बात करेंगे हाँ के प्रार्थना करो भाई मीटर को हाँ परमेश्वर सुनो मेरी बात ये नुका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए हैं जबरदस्ती एक मिनट जी इसके बाद होने लग रही है आप थोड़ा पछो ले भाई थोड़ा पछो ले पीछे दिखन देना सब कुछ है पूरी चीज दिखन देना है हाँ भाई बताओ हाँ जी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती सीधे आरोप है साफ तौर पर खड़तल डंका की चोट पे और छाती ठोक के आप थोड़ी देर पहले आप कुछ बोल रहे थे संस्कृत में बोलिए एक बार दोबारा सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ का जिदुक भाग भवे मैं बोल दूं सतम ददात ने विदेति इति विदेश समतम बिना तुम विद्वंदन तन मूर्ख से लक्षणम समझ गया आप तो कर दे तो कोनी तो कर रहे हैं बिना बात के झगड़ा करने लग रहे हैं ये तो कान लग रहे जबरदस्ती ये तो मुंह पे है ये वीडियो दिखाने लगा कि यकीन क्यों नहीं कर रहे आप यकीन क्यों नहीं कर रहे आप एक बार बताओ सुनो एक मिनट घर पर बात हो जाए भाई मेरे साथ मेरे परिवार भाई सुनो एक मिनट घर का घर एक मिनट भाई सच्चाई देखो सुनो दबानी रुक जाओ भाई दबानी होते थे तेरा का माइक लाऊंगा मैं ना अभी दबान की बात कौन सीख रहे तू दबान वाली कौन सी बात है मैं तो साफ तौर पर पूछने लग रहा हूँ पूछो दोहरा के करने का तो पूछो भाई मेरे पास एक
ये देखो भाई सुनो सुनो एक मिनट रुको भाई एक मिनट रुक जाओ बारह दो चलो बाहर आओ चलो सुनो आधा पाई नहीं भाई आधा पाई नहीं बाहर आओ एक मिनट मेरे को हाँ एक मिनट देखो भाई मामला बढ़ गया है और वही बात नुका कर साक्षी का दिशी आंख मांगली मारती ये वो काम हो गया एक मिनट भाई सुनो ये तो काम हो गया भाई साक्षी का दिशी हरीश भाई उराना जो एक मिनट ये देखो भाई फिर ये पलेगा ये फोन किसका है पड़ोसिया का सर ये किसका है ये मेरा ये, ये देखो भाई ये देखो भाई ये के एक बुढ़िया के तो तुम खून से काट दिए थे मार मार के तो करना कौन थी मैं नु बोला मारी ये तो राजेश ने देऊ नहीं दियो तो कार्रवाई कर भाई देखो एक तरफ पुलिस की अगर बात करो तो पुलिस अब तक इस मामले में धर्म जबरन धर्म परिवर्तन से इनकार कर रहा है। अच्छा एक बात और सुनो एक मिनट भाई एक और कड़वी तस्वीर दिखाऊंगा तुमने ये मोबाइल है पीड़ित परिवार का अरे स्क्रीन बंद करी स्क्रीन ऑन करी ये देखो इसने कहा ना जबरन माइंड वॉश ये तस्वीर इस पे क्यों कराएगी जबकि मान लो अगर सनातन की बात करें तो अड़े ओम लिखा होना चाहिए था अड़े शिव जी की फोटो होनी चाहिए थी अड़े राम की फोटो होनी चाहिए थी अरे कृष्ण की फोटो होनी चाहिए थी अरे धरती माता की फोटो होनी चाहिए सूर्य देव की फोटो होनी चाहिए थी तो इसने और क्या कहवांगे भाई तो ये कितने कितने माइंड वॉश कर जान लग रहा है इनका और ये माइंड वॉश का घिनौना खेल जिसके आरोप जो है हालांकि अब तक भी मैंने ऐसा लगा इनके ऊपर इनका दिमाग के ऊपर अब तक भी जमर है। भाई साहब यो तो एक परिवार आया है बहुत से परिवार ताड़ित हैं और वो डर के मारे नहीं आ गए रहे अभी कहते यो तांत्रिक में मारा और नाश कर दे बिल्कुल बहुत मैं भी बोल सकूं मेरा परिवार खुद गंदा इतना पीछे हट रहा था इतना डर रहा था मैं सामने आई हूँ भाई मत करिए मैं खुद आई हूँ मैं गंदे इंसान का कुछ आगे किसी और के बालक ने खराब नहीं होने दिया जो है राजेश भाई ने जो कि इस मामले के खुद डरा रखे इसने कि मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकते था मेरा पूरा परिवार डरे था। चलो देखो वैसे तो महावीर भाई हरीश भाई देखो अगर कुल मिलाकर बात करा तो भाई मानव धर्म सबसे बड़ा है बोला मनुर भव मानव बनो भाई मानव कोई बनता को नहीं रावण का पुतला फूकन खातर तो चाल पड़ा है लेकिन राम बन की कोई सोचता है को नहीं तो कई सारी चीज है भाई कई सारी चीज है धर्म को समझना पड़ेगा धर्म को लड़ाई झगड़ा और बखेड़े की चीज को नहीं। भाई साहब जो उदयनिधि बोल रहा है नहीं वो इन्हें कदम पर बोल रहा है भाई सनातन ने खत्म करांगे मारे जो गरीब भाई है किसी कारणवश अपना इलाज नहीं करवा पाते तो इन्हें कैपरलोभन माजे है लालच में थोड़ा बहुत दे दे इनको और इनका जीवन का साथ पूरा सरासर खिलवाड़ करने लग रहे हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलो फिलहाल पुलिस प्रशासन तभी भाई जी मेरी बात सुनो धर्मू भाई जी जो ये वीडियो आपने दिखा रखी है ना ये ऊपर ही ना पहले हाथा पाई हमारे साथ करिए तो हमारे मारेंगे तो हम हाथ रोकेंगे मेरे ही घर का नाश और अमीन के मार खा ले। एक मिनट आप बोलो जी हाथा पाई नहीं जी आराम से आड़ा जो आप थोड़ा खड़ी हो जाएंगे कल बात सुनो मेरी मैं इसके मेरा नाम पिंकी है ठीक मेरे साथ 3 साल हो गए आप ही नहीं इनकी बात सुनो मार अपने पूरी बात कमाल कर दिया आपने उसको सीधा कैमरा दिखाओ क्या करे आपके सामने की बात है यार मैं वो कौन कर दी ठीक है नौबत क्यों आई नौबत आई मैं बीमार रहा कर दी मैं खुद बताऊंगी मेरे साथ 3 साल हो गए मेरे दिक्कत होया कर दी मेरा घर उजड़ा कर दा तो मेरा पहले 10 साल तक है मौसी में क्यों कह दम है मेरा सारा परिवार मौसी में है बदल रहा मतलब ठीक है नहीं बताओ झाड़ फूक या तंत्र विद्या से आराम लग जाएगा के दवाइयां तो आराम लग गया है ना मेरा दवाइयां तो लग गया एक आराम हो गया तो फिर हॉस्पिटल बंद करवा दिया मैं खुल का बता दूं खुल का बता मैं सलमान को नहीं मारे बस्ते के मेरे डॉक्टर ने इसी करी थी मैं बरवाला तो दवाई लाकर दी इसी दवाई दी थी मेरी बच्चा दानी गिर गई थी प्रभु का धन्यवाद करो जो ईब मैं सही सलामत मैं गोली लग नहीं लेंगी तो प्रभु का धन्यवाद तो ठीक है प्रभु सबका साजला है फिर हॉस्पिटल बंद करवा दिया ये बड़ी बड़ी रिसर्च होने लग रही बंद करवा दिया आप कहना के चाहो जिन्हों बता दो बस मैं तो नहीं कहना चाहूँ जबरन अगर कोई भी चीज है गलत है
जबरन नहीं होना चाहिए। भाई साहब सुनो, एक मिनट चुप हो जाओ यार। एक भाई, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। जिस भाई के लिए ये बहन जी बोल रही है ना, उसके साथ जबरदस्ती, उसको बुलाकर पूछ लो आप। उसकी भी करेंगे, सारे मामले की पड़ताल करेंगे, पूरा मामले की पड़ताल करेंगे। देखो भाई जी, इन्हें चुप करो। ये यू चावा वो और मेंटल होगा, इतनी भीड़ ने देखो वो पागल हो गए है। हमने घर में भी रख रखे आज हमारे, क्योंकि आज रिश्तेदारी आती ना, तो रिश्तेदारी का भी पड़गा। एक मिनट सो का जोड़। देखो ये तो है, जिसपे आरोपी पक्ष, जिस पर आरोप लग रही है वो पीड़ित पक्ष है। बिल्कुल, आप यहाँ बीच के भाई कोई ना कोई रास्ता निकालना की बात करनी है भाई। इनसे एक गुजारिश है, यो सत्संग करना, यो ढोंग करना बंद करो आप आगे से। अब जो हो गया हो गया, सत्य का संग सत्संग है। हाँ, ये धर्म बदलवाना करो बंद। इसने दिक्कत को नो दिया यार, ये क्यों आओगी? कोई किसी चीज में राजी, कोई किसी चीज में राजी। मैं यीशु मसीह मानू, सुनो मेरी बात। मैं यीशु मसीह मानू हूँ, मेरा कित लिख रखी मैं हिंदू मुस्लिम सिख हूँ। आपको आप बता दो, मैं कित लिख रखी मैं हिंदू मुस्लिम। मानवता तो बड़ा, कोई धर्म नहीं होता। मानव धर्म है, बिल्कुल ना। बिल्कुल, कित बाहर नहीं जानते। आपका बाबू के था, आपका पिताजी के था, मेरा पिताजी था, मेरा इंसान था, हिंदू हाँ। ये बात तो ना, चलो भाई इन तस्वीरों पर छोड़ के धरती जान लग रहे हैं। सुन, एक मिनट पूरी सुन भाई। मैं हिंदू हूँ, हिंदू था और हिंदू रहेंगे। बस मना यह सुम सी पर विश्वास कर भाई साहब। भाई सुनो, मन और शो का तोड़ बता दू। हालांकि सुनो भाई, एक मिनट रहे। बहुत लंबा और डिबेट का विषय है, और धर्म को इतना संवेदनशील बना दिया है। अगर इसके ऊपर बात कर देने भी लोग सोचने लगे, डरने लगे, अगर भी कदम मुंह तक में लिख जे। लेकिन मैं तो एक बात कहूंगा, इसके ऊपर खुली चर्चा होनी चाहिए, खुला मन से चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आज तक हजारों लाखों वर्ष की अगर मैं बात करूं, 1,96,853,122 साल पहले कौन सा धर्म था, उसकी खोज होनी चाहिए। मानव धर्म, सुनो भाई एक मिनट, मानव धर्म था, इसमें कोई दो राय को नहीं। फिर कहूंगा इस पर डिबेट होनी चाहिए सारी भाई। जात पात तो जाति तो मानव जाति एक होगी, ऊंट अलग हो गए, गधे घोड़े अलग हो गए, प्रकृति अलग होगी, वो सारी चीज अलग है। के है के बंद करवा दिया, के बंद करवा दे रहे, सारी चर्च बंद करा दो। इतना हुआ तो मैं चर्च मतलब ना तो मैंने चर्च खोलने की बात कही ना, तो सुनो हम तो ना चर्चा शुरू होनी चाहिए। चर्च का नहीं हमने बेरा, लेकिन चर्चा जरूर शुरू होनी चाहिए। चर्चा नहीं, चर्चा शुरू होनी चाहिए। सुनो भाई, हर धर्म का जो सही स्वरूप है उसको जब तक नहीं समझांगे, जब तक नुए बखेड़ा रहेगा, उसको समझना जरूरी। आपस में लड़ो ना, मरो कटो ना। सुनो मेरी बात, सुनो तो के मेरे घर का नहीं है। 4 बजे आइए, 4 बजे आए, क्यों आए? इतनी बुढ़ी गाली गलोच करी आज इसने ना, 3-4 दिन हो जद, और आज भी किस नाम से बैठ का बात भी दोस्त है, क्यों आई तो बात भी दोस्त है। चलो धर्मू भाई मारी भी सुन ले, भाई सब नु बताओ कोई किसे ने। अगर मैंने आप नु को आगे को हम पढ़ जाऊंगा ऐसा पागल कोई को ना भाई। ना चलो आ जाओ भाई, चलो फिलहाल ये तस्वीर है भाई, इन तस्वीरों में छोटा हाँ। और धक्का तक कुम पढ़ने वाली बात रही भाई, जो गरीब लोग हैं, गरीब आदमी उनका माइंड वॉश कराया जावे है, और ये माइंड वॉश की ही तस्वीर है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस बात का इनकार करने लग रहा है, लेकिन जो हमने जो शांति बात करने गए थे सारे, वो एक लेडीज है पिंकी नाम की, कुर्ता पकड़ कर बोली केस कर दूंगी केस, गांव से इंसानियत होगी। हाँ चलो एक बात जरूर कहूंगा भाई, सबका बनाना वाला एक है, जो सुनो मेरी बात, सब वहाँ चश्मा वहाँ भाइया लिए अर्चता माए लिए, इसमें कोई दो राय को नहीं, सबका मालिक एक है, लेकिन उसको समझना जरूरी है, भ्रमित होने की जरूरत को नहीं। चलो भाई कर दो वीडियो ना जिला का शेयर, ताकि मामले का दूध का दूध और पानी का पानी, कर दो भाई शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।